गोदरेज जो कि बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर हैं, इसके दो प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे आज पुणे के मानगांव में, गोदरेज 24 एंड गोदरेज एलिमेंट्स जो कि एक साथ ही हैं। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है एंट्रेंस, मेन रोड से एंट्रेंस, ब्लू रिज से जो रोड आती है जो कि गोदरेज एलिमेंट्स, उसके बाद गोदरेज 24 और साथ ही अशोक मेडोज जो कि कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए भी एंट्री यहाँ से है। तो ये मैंने आपको दिखाया, इसके पीछे से भी एंट्री है तो वो मैं इसका सर्कल पीछे साइड से भी आपको एंटर करके फिर दिखाऊंगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, इसका ओवरव्यू, इसकी कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी इसकी लोकेशन के साथ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ के फ्लैट्स का सैंपल एंड जो एमिनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है वो। एंड में मैं थोड़े से इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूँगी। और ये हमारा आज का वीडियो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि गोदरेज एलिमेंट्स और गोदरेज 24 दोनों की ही एमिनिटीज सेम हैं और इसके लेआउट स्ट्रक्चर जो हैं फ्लैट्स के वो भी लगभग सेम हैं, तो मैं कॉमन ही दोनों को एक साथ डिस्कस करने वाली हूँ और फ्लैट का सैंपल दिखाऊंगी आपको। लेकिन उनके साइज़ और प्राइस का मैंने डिफरेंट चार्ट बनाया हुआ है, वो शेयर करूँगी। और अब हम शुरुआत करते हैं इसके बैक गेट से, जो मैं आपको लेके चल रही हूँ मान रोड से। आप थोड़ा सा 500 मीटर अंदर जाते हैं तो यहाँ से बसेरा वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ से होते हुए हम लेफ्ट में टर्न करते हैं और फिर प्रोजेक्ट के अंदर वापस एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही पहले हमारा प्रोजेक्ट है गोदरेज एलिमेंट्स, जो कि है 5.5 एकड़ के एरिया में इसका रेसिडेंस है। और इनका कहना है कि 83% जो है ओपन स्पेस है यहाँ पे। इसमें टोटल 7 टावर्स हैं जिसमें 19 फ्लोर्स हैं और 2 and 3 BHK यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2 BHK की 4 वेराइटीज़ हैं एंड 3 BHK की 2 वेराइटीज़ हैं। तो इसके अंदर इसके बाद ही नेक्स्ट हमारा आता है गोदरेज 24, जो कि इनका कहना है कि ये 2 and 3 BHK प्रीमियम रेसिडेंसेस हैं पीसफुल लाइफस्टाइल के लिए, जो कि मॉडर्न है और आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो गोदरेज 24 के अंदर अगेन इनके जो 2 BHK हैं वो स्मॉल, लार्ज और एक्सेल में इन्होंने डिफाइन किया है डिफरेंट साइजेस, एंड इसके अलावा 3 BHK होम्स हैं। तो ये हम डिटेल में ये फ्लैट के सैंपल्स देखेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे एमिनिटीज़ की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट के सैंपल से। जैसे ही आप यहाँ पे गेट पे एंटर करते हैं आपको वीडियो डोर मिलता है, बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम है और यहाँ पे डाइनिंग एरिया के साथ ही आपका लिविंग रूम है। इसके साथ ही सामने आपको मिलता है किचन, किचन में गैस पाइपलाइन भी है और यस गैस पाइपलाइन दी हुई है इन्होंने। इसके बाद जो आता है फर्स्ट यहाँ का किचन के साथ है ड्राई बालकनी आपकी अटैच है, सफिशियंट आपको मिलेगी। और लिविंग रूम के साथ भी एक बालकनी है। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं फर्स्ट ये कॉमन वॉशरूम और इससे लगा हुआ जो है कॉमन बेडरूम या गेस्ट बेडरूम आपको मिलेगा। इसके अंदर एक छोटी विंडो है एक साइड और एक साइड आपको बड़ी विंडो, बाहर का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। और यहाँ पे होम ऑटोमेशन सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है। और गेस्ट बेडरूम में जो है गीज़र का वाटर आएगा या कॉमन वॉशरूम में, और अंदर वाला आपका जो बेडरूम है अटैच्ड है ये अंदर वाला मास्टर बेडरूम, उसमें आपको मिलता है सोलर वाटर।
इसके अलावा एडिशनल यहाँ पे देखें तो होम ऑटोमेशन सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया, और इन्वर्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। किचन में लोअर कैबिनेट्स दिए हुए हैं, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, किचन की टाइल बहुत सुंदर है। तो यहाँ के जो फ्लैट हैं वो क्रिएटिवली प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड हैं, जिसमें हाई क्वालिटी फिटिंग्स मिलेंगी आपको, वॉशरूम्स हैं, विट्रीफाइड फ्लोरिंग है और एक कवर्ड पार्किंग मिलती है। अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, वॉल फिनिश जो है आपको ओबीडी मिलेगी, और यहाँ के मेन एंट्रेंस डोर में जो है फ्लश डोर हैं, और विंडोज़ हैं वो पाउडर कोटेड हैं, जो कि जिसमें मॉस्किटो नेट भी आपको मिलेगा, और किचन का ग्रेनाइट काउंटर टॉप आपको एसएस सिंक के साथ मिलता है। अब मैं आपको एक मीडियम साइज वाले जो हैं लार्ज साइज वाले 2 BHK का टूर करवा रही हूँ। तो फ्रंट में लॉबी तो नहीं है यहाँ पे, जैसे ये लिविंग रूम है फर्स्ट, और यहाँ पे आते ही सेम वीडियो डोर और लॉकिंग सिस्टम, लिविंग रूम के साथ बालकनी, और बालकनी से आपका बहुत प्यारा आउटर व्यू। ये ऊपर भी स्पेस है अगर आपको कुछ रखना हो बालकनी में, और यहाँ पे अभी फर्निशिंग का काम चल रहा है जब हम आए थे तो ये फ्लैट के अंदर। यहाँ से वापस अगेन 2 हमारे रूम हैं। तो ये जो गेस्ट बेडरूम, तो देखिए एक क्वीन साइज बेड लगा है, और इसके साथ ही ये सामने विंडो का, और राइट हैंड साइड में अलमीरा बनने के बाद भी ये कितना स्पेस बचता है ये आप देख सकते हैं। और किचन में दोनों साइड की फ्लोरिंग है स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए। अच्छा, वाटर प्योरीफायर भी कब मैंने नहीं बताया था, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका किचन में दोनों साइड की स्लैब्स हैं, और इसके साथ ही ये ड्राई बालकनी। ड्राई बालकनी में आपको स्पेस काफ़ी मिलता है वॉश करने के लिए या वॉशिंग मशीन रखने के लिए। ये आउटर व्यू हमारा जो ड्राई बालकनी से दिखाई दे रहा है, गैस पाइपलाइन यहाँ पे अभी है। और तो इसके आगे सामने जस्ट फ्रंट में जब यहाँ से हम निकलते हैं तो आपको दिखेगा कॉमन वॉशरूम या गेस्ट वॉशरूम, जहाँ पे गीज़र है, गीज़र लगा हुआ है, और इसके बाद अंदर अटैच्ड वॉशरूम के साथ ही आपको एक मास्टर बेडरूम मिलता है। तो सेम लेआउट है, इवन और ऑड फ्लोर्स में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है लेआउट का, जो कि बालकनी आपकी शिफ्ट हो जाती है इधर उधर, और किचन के स्लैब भी हैं जो वन साइड या फिर टू साइड हो जाते हैं। एमिनिटीज़ को इन्होंने कन्वीनियंस एंड हेल्थ एंड वेलनेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वर्क एंड लेजर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन 5 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। तो हम अपना टूर एमिनिटीज़ का जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से क्लब हाउस की तरफ। तो ये क्लब हाउस से होते हुए अगर आगे जाते हैं, ऊपर जो है वो पोडियम है, और सामने भी किड्स प्ले एरिया है मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको क्लब हाउस मिलेगा, मल्टीपर्पस हॉल है, और ये सामने यहाँ पे ये मल्टीपर्पस हॉल में टेबल टेनिस है, पूल है, ये खेलने का आनंद ले सकते हैं, और यहाँ पे किड्स अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं मज़े करते हुए, मस्ती करते हुए, फन करते हुए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, और यहाँ से अब हम ऊपर चलेंगे। तो ऊपर साइड से ही मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, अदर जो एमिनिटीज़ हैं सामने दोनों साइड
बिल्डिंग्स हैं और बीच में इन्होंने एमिनिटीज़ प्लान की हुई है। तो एक मेजर यूएसपी इनका, जो हम आगे चलते हैं, जो इन्होंने बोला हुआ है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल। तो ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल, वो अगेन किड्स टोडलर्स एंड इन्फिनिटी थ्री पार्ट उसके उन्होंने बताए हुए हैं। और इसके साथ ही ये इनका वेल इक्विप्ड जिम है, यहाँ से स्विमिंग पूल और यहाँ से एमिनिटीज का व्यू भी मिड में देख सकते हैं। और इसके साइड में जब आगे जाएंगे ये पूल से होते हुए, तो वापस फिर यहाँ पे जॉगर्स पार्क या ट्रैकिंग ट्रेल जो है वो है। और नीचे साइड में क्रिकेट के लिए पिच है, एम्फी थिएटर है। और टॉप फ्लोर पे अगर हम जाते हैं एकदम टॉप पे, तो वहाँ पे बारबेक्यू एरिया है या फिर आपका पार्टी के लिए वो एरिया है, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें किड्स हैं या फिर एडल्ट्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं, सभी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने एमिनिटीज़ यहाँ पे रेडी की हुई हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वैसे तो ये एरिया मेन मार्केट के बीच में है, लेकिन अभी डेली नीड्स के लिए और मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इनसाइड द कैंपस ये अवेलेबल है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब एग्ज़िट गेट से चलते चलते दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट क्यों करे या यहाँ पे रेंट पे रहने क्यों आए? तो एक तो ये इंजेवाड़ी आईटी पार्क के अंदर है, इसका लोकेशन बहुत ज़ोरदार है, कनेक्टिविटी दोनों साइड से है रोड से, मेट्रो बहुत जल्दी आने वाली है जिससे इसका कॉस्ट बहुत फास्ट बढ़ेगा। मॉल्स जो हैं, ज़ियोन मॉल है, ग्रैंड मॉल है या फिर भविष्य में आने वाला फिनिक्स मॉल पास में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है यहाँ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो बिल्ड है, इसकी जो क्वालिटी है घर की और एमिनिटीज़ की, बहुत ही ज़ोरदार है अदर बिल्डर्स के कंपेयर में। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बिल्ड किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इस प्रोजेक्ट की। और हॉस्पिटल्स पास में हैं, स्कूल्स नेशनल इंटरनेशनल, टेक महिंद्रा, ब्लू रिज, रायन इंटरनेशनल, पवार्ड पब्लिक हॉस्पिटल्स आपको चाहिए, रूबी हॉल और सब कुछ यहाँ से बहुत पास है। तो ओवरऑल ये मेन सिटी से 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है, पुणे के मेन सेंटर से, वेस्ट पुणे में। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखता है इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल। तो होप ये ओवरव्यू, ये रिव्यू आपको इस प्रोजेक्ट के लिए पसंद आया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।